दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECS स्विट्जरलैंड T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा ZNCC वर्सेस WTG के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही कराए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी? सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप MyFab11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो MyFab11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और MyFab11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो भी भाई नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेकंड आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यार मुझे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखियो एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ये आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। चलिए अब टीम के बारे में बात करें। विकेट कीपर में एच अहमद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, हसन अहमद आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, प्लेयर काफ़ी अच्छा है। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, 170+ इन्होंने रन करा है, मुझे लगता है आप इनको आसानी से अपनी टीम में लेके चल सकते हो। कैंटन के बारे में अगर हम बात करें इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, क्या इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, किस नंबर पर आपको जो है बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले? दोस्तों यार परफॉर्मेंस जो रहा है ना इनका वो इतना अच्छा नहीं रहा रीसेंट में, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, इसलिए मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। एम अख्तर को ज़रूर रख सकते हो, ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे और रीसेंट के 3 मैचेस में इन्होंने 130+ रन करे, तो आप देख सकते हो इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए आप इनको लेके चल सकते हो। वहीं यहाँ पे दिनेश के बारे में अगर हम बात करें तो यार इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 रहता है और T10 के अकॉर्डिंग नंबर 6 काफ़ी नीचे हो गया, तो मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। अख्तर और अहमद को आप ज़रूर अपनी टीम में लेके चल सकते हो, ये दो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है बन सकते इस मैच में। बैटिंग के बारे में अगर हम बात करें, ज़बीबुल्ला का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 3 ये बैटिंग करेंगे। लास्ट मैन में 54 रन इन्होंने करे थे मात्र 20 बॉल्स में, मतलब हिटिंग करके आपको दे सकते हैं। उससे पहले 11 रन करे थे, आउट हो गए थे, लेकिन मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मैं इनके साथ चल रहा हूँ। शरीफ शाही के बारे में अगर मैं बात करूं, नंबर 5 आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा नहीं, इनको आप ड्रॉप कर दोगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। बाकी सिकंदरी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 4 बैटिंग करते हुए नजर आने वाले। लास्ट 2 मैचेस के बारे में बात करूं, 44 रन करे, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो ही रखिएगा, तो मुझे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रख रहे हैं, फिलहाल तो मैं स्कीप करके चल रहा हूँ। बाकी कोई यहाँ से मुझे खास ज़्यादा ऑप्शन लग नहीं रहा। एक हमारे यहाँ से बैट्समैन रहने वाले, ऑलराउंडर में तो आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं रहेगी, नज़ीर का सबसे पहले ऑप्शन होने वाला है। नज़ीर आपको इस मैच में ओपन करते हुए नजर आएंगे प्लस बॉलिंग करवाते। रीसेंट के 4 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, 120+ इन्होंने रन करे बैटिंग से और 4 विकेट निकाले बॉलिंग से, आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, मुझे लगता है आप इनको लेके चल सकते हो। वहीं यहाँ से थंगवा डिवेल के बारे में अगर हम बात करें, दोस्तों इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, ओपन करते हुए नजर आएंगे प्लस बॉलिंग करवा लेते। रीसेंट के 3 मैचेस के बारे में बात करूँ, हालाँकि चलिए बैटिंग से 31 रन ही कर पाए और बॉलिंग ये करवाएंगे, 2 विकेट इन्होंने निकाले, बैटिंग बॉलिंग करके दे रहे, तो मुझे लगता है आप इनको लेके चल सकते हो।
जीएस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, इनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, किस नंबर पे आपको खेलते हुए नज़र आने वाले, वो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। देखिए बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहेगा, बैटिंग के अकॉर्डिंग तो रखिएगा मत, बॉलिंग करवा के दे सकते हैं। रिसेंट के 4 मैचेस में 3 विकेट निकाले, स्टार्टिंग में भी बॉलिंग करवा लेते हैं। मुझे लगता है आप इनको आसानी से अपनी टीम में रख सकते हो, इनफैक्ट सेलेक्शन कम है और आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। टी सिल्वा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इनके परफॉर्मेंस के बारे में, क्या इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग करते, और रीसेंट के अगर मैं मैचेस के बारे में बात करूँ ना, 3 मैचेस अगर मैं बताऊँ रीसेंट में 57 करे, 7 रन करे, 46 रन करे, हालांकि 3 मैचेस में बॉलिंग करवा के विकेट 1 ही मिला, लेकिन बैटिंग से अच्छा कर रहा है बंदा, इसलिए मुझे लगता है आप इनको लेके चल सकते हो। ए नज़ीर के बारे में बात करें, अजीम नज़ीर नंबर 5 आपको बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे प्लस बॉलिंग करवाते, रीसेंट के 2 मैचेस में 3 विकेट इन्होंने निकाले और बैटिंग से तकरीबन यहाँ पे 50+ रन करे, आप इनको ज़रूर रखिएगा। हालांकि नॉर्मल रखो, कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट प्लेयर अच्छा है। बाकी ए खान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में, बैटिंग ऑर्डर तो देखो काफ़ी नीचे रहता है, बॉलिंग के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, लेकिन कब रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉलिंग जो इनकी रहती है दोस्तों, 5% इनका सेलेक्शन है, आपको क्या करना है, सेलेक्शन पे तो जाना नहीं है। ए खान आपको जो है स्टार्टिंग में बॉलिंग डालते हो और इनको आप इस मैच में रख सकते हो, मात्र 5% सिलेक्शन है, ग्रैंडली खेल रहे हो तो ज़रूर रखिएगा आँख बंद करके, खासकर चाहे पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे। फिलहाल तो 6 हमारे ऑलराउंडर रहने वाले। बॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, जो आपके पास ऑप्शन होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे थाना बाका आपके पास ऑप्शन होने वाला है। इनके परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, क्या इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, देखो लास्ट मैच के बारे में अगर मैं बात करूँ, 2 विकेट इन्होंने निकाले, उससे पहले कोई विकेट नहीं निकाले, 0 विकेट निकाले। मेन चीज़ विकेट की नहीं रहती, बॉलिंग की रहती है, बॉलिंग कब करवाएंगे, और बॉलिंग ये जो है आपको स्टार्टिंग में करवाते 1 ओवर, फिर मिडिल ओवर्स में आते हैं। रविंद्रन के बारे में बात करें, थोड़े से रिस्की प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों। अगर इनकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें, रीसेंट में क्या रही है, लास्ट 3 मैचेस के बारे में बात करूं तो 2 विकेट निकाले, फर्स्ट बॉल में ज़रूर ट्राई करिएगा। मनिक को ज़रूर आप लेके चल सकते हो, आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। 2 मैचेस में अभी तक 2 विकेट निकाले, स्टार्टिंग में भी बॉलिंग करवा के दे सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें जो आपके लिए ऑप्शन अच्छा होने वाला है, जिनको आप लेके चल सकते हो दोस्तों, ज़्यादा आपके पास मुझे ऑप्शन लगते नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करें, योगेन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, पी योगेन। अगर इनके बारे में हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, क्या इनका परफॉर्मेंस रहता है, ये नंबर 4 पे बैटिंग करते प्लस बॉलिंग करेंगे, रीसेंट के 2 मैचेस में 4 विकेट निकाले, योगेन को आप रख सकते हैं, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। और यहाँ से थाना बा को लेके चल रहा हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में अगर हम बात करें, जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं दोस्तों, सिल्वा और नज़ीर अच्छे हैं, बट मैं नज़ीर को यहाँ से कैप्टन प्रेफर करूँगा और सिल्वा को वाइस कैप्टन, आप रोटेट भी इनको कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे थंगा वडीवेल को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हो, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा अगर आप MyFab11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो MyFab11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव ज़रूर रहिएगा।